सो फाइनली मोनिका का जो रक्षाबंधन का गिफ्ट है वो आ गया है। और मोनिका काफी ने भारी कमेंट्स और भारी डिमांड पे जो चीज मंगाई है वो बहुत काम की चीज मंगाई है अपने भाई से। नहीं, एक्चुअली भैया ने मुझे बोला कि तो तेरे ना ब्लॉग में सबसे ज्यादा कमेंट यही आते हैं कि तेरी आवाज बहुत स्लो है और बहुत धीरे बोलती है, इसलिए माइक बता कौन सा चाहिए। तो मैंने चूज किया था। थैंक्स फॉर योर कमेंट। वाओ, ओके। कूल, दैट्स सो नाइस यार, है ना? ये दो माइक है ना? ये इनका चार्जर? नहीं, ये रिसीवर है। ओके। एक्चुअली मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, मैंने सिर्फ पढ़ा और चेतन को बोला कि जो अच्छा हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा डिजिटल नॉलेज नहीं है, तो जो अच्छा लगे वही बोलना। तो फिर चेतन ने भी मेरी हेल्प की थी और उसके बाद में ये मंगवाया है। अभी इसको कनेक्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे और फिर देखते हैं कैसा है ये। इसका चार्जर आई गेस है अच्छा राइट। हाँ ना? कॉलम माइक्स में ये दो है ना? बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अगर आपने अगर क्या आप तो ब्लॉग तो तुम देखते ही हो। थैंक यू सो मच इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। सारी हालांकि ऑडियंस हमारी आपको धन्यवाद कर रही है। अरे भाई, फाइनली इसको दिला दिया, अब इसकी आवाज आएगी। ओके, तो इसको सेटअप करते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसी आवाज आती है, बताना आप लोग भी। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग से भी पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरा कृष्णा भी उठ गया है और उठते बराबर मेरे को ये लग रहा है कि इसको मैं जल्दी से जल्दी कृष्णा के वो अवतार में लाऊं। तो इसकी एक ड्रेस मैंने मंगाई थी, आई विल शो यू गाइस। मोनिका ने शायद आपको अब तक ना दिखाई हो, सोच रही होगी सरप्राइज देने का, बट मैं आपको दिखाई देता हूँ, आ जाओ। तो ये है कृष्णा की आज की ड्रेस, जिसको कृष्णा पहनेगा थोड़ी देर में। हाँ, इसको वो कृष्णा वाला गेटअप भी तैयार करना है, बट वो थोड़ा लेट करेंगे तो चलेगा। तो अभी थोड़ी देर इसको ये पहना के रखेंगे। थोड़ा सा बड़ा आ गया ये, बट कोई नहीं, चलो कंफर्टेबल रहेगा। तो ये जो है ये नाम आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो, मैंने जहाँ से मंगाया वहाँ पे था ऐसा, तो साइज़ का थोड़ा सा हो गया था। कोई बात नहीं, मैं फर्स्ट जन्माष्टमी कृष्णा कृष्णा ही है कृष्णा। सो कोई नहीं, थोड़ा सा बड़ा है, मैनेज हो जाएगा आई गेस। और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, थोड़े से बड़े बड़े कपड़े पहन लेते हैं कृष्णा। तो वैसे तो आज हमारा फास्ट है, बट थोड़ी सी चाय पी रहे हैं, भगवान हमें माफ़ कर दे। एक्चुअल में तो चाय भी नहीं पीनी चाहिए। और मोनिका को मैंने बोला था कि अगर अभी कैसे वो फीड करा रही है तो एकदम स्ट्रिक्ट फास्ट करना उसके लिए भी इतना सही नहीं है, बट स्टिल ये कह रही है कि मैं तो करूँगी, तो फिर करो भैया, कौन रोक सकता है, कृष्ण जी की माया है। देखते ऐसे स्तब्ध हो गए एकदम। वो सही में ये वही वाला बच्चा बनेगा मुझे लग रहा है। अंकल आपके फोन में गेम्स हैं क्या? नहीं, आपका फोन गंदा है, ऐसे बोल गया। नहीं है तो हम जब छोटे थे ना, तो कोई भी आता था तो हम वही बच्चे हैं जो पूछते थे पहले, आपके फोन में गेम्स हैं क्या। आप छोटे थे तो फोन थे? हाँ क्या बात कर रही है, 3 टाइम इनने फोन तो कब के आए हुए हैं। कब के आए? मेरे को तो याद है जब हम क्लास 11 नहीं 9th में थे, तब फर्स्ट फोन आया था घर पे, छोटा वाला, मम्मी अरे तो के पास। हाँ, पर मेरे जैसे हाँ, तो वो फोन हुआ करते थे, इस रूम से उस रूम में उठाया तो, तो अरे तो वो वाले फोन तो थे ही, वो जो नोकिया के फोन थे ना, छोटे वाले जिनमें वो स्नेक सी वाले गेम वाला। पे गेम थे, और एक गेम थे वो स्पेस इम्पैक्ट गेम थे, तीन ही गेम आते थे, स्पेस इम्पैक्ट, स्नेक और एक कोई और था, मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं याद नहीं मुझे, तो इतने ही हमने गेम वीडियो हुआ गेम करते थे। खेले फोन पे गेम, तो हमारे भैया लास्ट में अब जाके मेरे को तो कॉलेज के
सेकंड ईयर में भैया ने फोन गिफ्ट किया था, उससे पहले बस फोन नहीं था। नहीं तो फोन तो मेरे पास भी बहुत लेट आया था, बट जो गेम्स थे उनके लिए बता रहा हूँ मैं। गेम्स तो खेलते थे हम, तो वीडियो गेम खेलते थे। और वो जो मतलब हमारे सामने एक दुकान थी, दुकान पे वो जो बड़े बड़े स्क्रीन पे ऐसे गोले गोले बन के नहीं होते वीडियो गेम के लिए, सौरभ लोग मोस्टली वहाँ जाते थे। ये देखो चटके ले रहा है बैठे बैठे। क्यों भाई, किस बात के चटके? चस्का है यारानु। किस बात की चटकी है? गुड मॉर्निंग गुरु। गुरु मैं उठ नहीं पा रहा, वरना तो अब तक उठ के बैठ गया होता। अब तक तो उठ के फोन के पीछे दौड़ गया होता। फोन देना, अभी हम लोग क्या है कभी कभी आइसक्रीम मंगा लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, तो हम यही डिस्कस करते हैं कि अभी तो अपन आइसक्रीम खा ले रहे हैं, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब अपन इसी को डांटेंगे कि खुद मना करेंगे, खुद को आइसक्रीम के लिए मना करेंगे। इसको इसको किसी चीज से मना करने से पहले खुद को मना करना पड़ेगा, हम लोग को सीखना पड़ेगा कि नहीं नहीं खाना बाहर का, नहीं खानी आइसक्रीम वगैरह, तब जाके ये सीखेगा कि नहीं खानी होती। वरना तो हमारे साथ साथ ये भी चटके ले रहा होगा और हमसे पहले यही बोल रहा होगा आज तो आइसक्रीम खा लेते हैं। तो हम बहुत ही स्ट्रिक्ट आजकल हो रहे हैं खुद के साथ। इस जन्माष्टमी से हमें भगवान यही आशीर्वाद दे कि हम थोड़ी स्ट्रिक्टनेस फॉलो कर सकें डाइट को लेके और हर चीज़ को लेके एक्चुअल में, और आप सबको प्रदान करें। कहते हैं जो अपनी इंद्रियां होती हैं उनमें से सबसे पहली इंद्री जिस पे कंट्रोल करना होता है वो जीभा होती है। तो जिसने जीभा पे कंट्रोल कर लिया वो धीरे 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 कॉन्कर करने लग जाता है हर इंद्री को। तो इसी के साथ, इसी छोटे से ज्ञान के साथ आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी, और देखते हैं आज अपन क्या करते हैं। ये क्या कर रही हो? मैं बोला सॉरी हो। हैप्पी जन्माष्टमी। अच्छा प्रणाम से करूं? हैप्पी जन्माष्टमी। मैं आ नहीं रही ना फ्रेंड। ब्लेस यू। ग्रेट मैं आ नहीं रही। बड़ी हो रही है क्या? बड़ी हो रही है। बड़ी हो रही है रे। बड़ी हो रही है। बड़ा हो रहा है रे। इसके बाल देख एकदम शेषनाग जैसे आए हैं। पापा के गए ना पूरे के पूरे। ओहो। खड़े आए पापा के जैसे। थोड़े दिन में से फोरहेड से हटेंगे नहीं, सियाना के जैसे। दोनों भाई बहन माथे पे बाल लिए घूमते रहेंगे। जिन जिन बच्चों के बाल यहाँ आते ना सीधे, वो बहुत बदमाश होते हैं, और ये उनमें से एक होने वाला है। बदमाश नंबर एक, बदमाश नंबर एक। इसने मतलब इतने अपना सर घुमाया है कि आप देखोगे इसके यहाँ पर लाइन बन गई है। ये बैटर लेटे लेटे अपना सर घुमाता रहता है। एक कटोरा बना लिया इसने अपने सर पे, कटोरा कट के एक लाइन लिया है देखो। अरे बाप रे। सिर्फ इसलिए कि इसको जब गोदी में आना और ऐसे करना तो और कुछ नहीं कर पाता, हाथ पैर मार के ऐसे 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 करता है। बोलो चाय नहीं पीनी बेटू? मोनिका जो है जाने कहां छुपा है नंद किशोर। सो क्यूट। सबका है प्यारा बंसी बजैया का करेश रामैया। बड़ा नट खट है कृष्ण कन्हैया का करेश रामैया। झूमरी ये इसकी फेवरेट लोरी है, जो मैं गाती तो ये सो जाता है, तो इसलिए मैं ये गा रही हूँ ताकि इसको लगे कि मम्मा सुनाई दे रही है। उसे चाहो जाने कहाँ छुप गया। हाउ्स इट? बहुत क्यूट लग रहा है, कृष्ण जी लग रहे हैं। सबका है प्यारा बंसी बजैया। तो हमारे जो कान्हा जी हैं वो तो विश्राम कर रहे हैं अभी, एंड लेट्स सी कि मोनिका क्या कर रही है। मोनिका भी बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रही है आज। सो मोनिका क्या बनाया जा रहा है आज? मैं बना रही हूँ पंजीरी। और ओके क्योंकि आज मैं फलाहार करूँगी, मतलब
इसलिए मैं अपने लिए साबुदाने की खिचड़ी और मैं भी तो करूंगा यार मतलब मैं भी करूंगी तो आप भी कर लोगे पनीर आलू की टिक्की और वो बना रही हूँ। तो मैं पहले सोच रही हूँ कि पहले क्योंकि कृष्णा सोया कुछ काम ही नहीं कर पाते, अब कुकर चढ़ा तो डर लग रहा है कि सीटी बजते उड़ जाएगा और डरेगा क्योंकि वो सीटी से बहुत डरता है। मैं जल्दी से उसके पास लाता हूं, नहीं तो वो उड़ जाएगा सीटी बजते। ये बंद करना पड़ेगा। सो अभी बस यही बनाऊंगी और फिर उसके बाद में सब कुछ साफ करके। आप लोगों को पता है जैसे कि मोनिका मतलब हर जन्माष्टमी पे पंजीरी बनाती है, वो पंजीरी हर जन्माष्टमी पे हर कोई बनाता है, एक्चुअली सभी बनाते हैं, बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है वो। तो उसका सामान मैं लेके आ गया बाहर से। क्या पांच चीजें मिलके बनता है? हाँ, पंजीरी पाँच चीज़ें बनता है। ओके, तो मोनिका बता बना रही है तो पहले दूध निकाल के अलग कर दूँ सारे, सब पूरा किचन भरा पड़ा है यार, कितना ही साफ कर लो। थोड़ी रेसिपी अपनी पंजीरी बनाने की मेरे जो सब्सक्राइबर हैं इनके साथ शेयर करना चाहोगी? हाँ कर लूँगी, जब बनाऊँगी तब आप आ जाना, शूट कर लूँगी। ओके, अब मैं जाता हूँ कृष्णा के पास क्योंकि कृष्णा जो है सीटी से बहुत डरता है कुकर के, पता नहीं बच्चे क्यों डरते हैं वैसे, अभी तो सो रहा है। तो फाइनली शाम हो चुकी है, शाम मतलब हो रही है, ऑलमोस्ट 5:30 बज रहे हैं और मोनिका जो है पूरी तैयारी में लगी हुई है, पहले पंजीरी बनाई, सोई नहीं है पूरी दोपहर से काम कर रही है। मोनिका बताएंगे मेरे जो व्यूअर्स हैं इनको आप क्या कर रहे हो? मैं ना वाहन तैयार कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि ये तो रथ तैयार कर दिया पूरा का पूरा 7 घोड़े की कमी है, बस इसमें आगे 7 घोड़े लगा देना। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे नीचे फंक्शन होता है, उसमें सब अपने लड्डू गोपाल लेके आते हैं छोटे छोटे से, उनको सजा के, उनका रथ सजा के, उनकी जो भी मतलब जैसे भी जिससे भी होता है तो वो लोग सजा सजा के लेके आते हैं और नीचे छोटा सा फंक्शन होता है जहाँ पे अच्छी सी लाइटनिंग होती है, सब कुछ होता है। तो मेरे लड्डू गोपाल तो यही है, जब आ गए तो मुझे लगा कि जब इनको लेके जा रही हूँ तो अच्छे से लेके जाऊँ। बच्चे वैसे भगवान का रूप होते हैं और ये इतना छोटा है कि हमारे लिए तो अभी भगवान ही है क्योंकि इसके मन में कोई यू नो इंसानों वाली चीज़ें भी आई नहीं है। सो मैंने सोचा कि जब जा रहे हैं तो एकदम बढ़िया से लेके जाएं, तो मैंने इसका स्ट्रोलर तैयार कर दिया है क्योंकि आजकल के बच्चे स्ट्रोलर में जाते हैं। ये मैंने इसके ये ड्रीम कैचर लगाया था कि बोलते इस पर नजर नहीं लगेगी। हाँ तो ये उसे थीम पे है तो शायद ना लगे। एंड बाकी मैंने ये स्पेशल मोर पंखी का जो पंखा होता है वो लगाया है और छोटे मोटे फूल थोड़े बहुत मालाओं से थोड़ा सा अच्छा रेडी कर दिया है। कृष्णा को भी जब वो फोटोज देखेगा बड़ा आएगा तो उसको लगना चाहिए कि उसकी मम्मा ने मेहनत करी थी। बट इट्स सो नाइस, इट्स लुक्स सो नाइस एक्चुअली। अच्छा लग रहा है। ओके,